नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि शादी का डेट बहुत जल्द करीब आ रहा है। आप लोग कहेंगे कि राहुल भाई बस यही बात करते हैं और शादी किस डेट पे वो नहीं बताते हैं, और बिल्कुल बहुत जल्द आप लोग के बीच में डेट रिवील करेंगे। हो सके वीडियो पढ़ते पढ़ते रिवील हो ही गया हो। आपको बता दें, ये सिस्टर है मेरी और आज इनको हम लेके आए हैं खुटहन मार्केट में। ये कपड़े की दुकान है, पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो बहन के लिए पार्टी वियर कपड़ा ले रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को भी इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार ये कैसा कपड़ा लेगी अपने लिए और क्या कुछ हमारे बजट में होगा, सब कुछ दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया था फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो नेहा, आज कितने तक का कपड़ा दोगे? 5000। सोच रहे हैं 5000 का साला हमारा वो कपड़ा नहीं था जो हम आपको दिखाए थे। देखते हैं अभी अपने बजट के हिसाब से काम करेंगे। भैया देखिए, कपड़ा लेके आ रहे हैं गोदाम में से निकाल के। चलिए दिखाते हैं। महारानी जी को इतना सारा कपड़ा निकलवा लिए और एक पहन के बैठी, लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा। ये लग रहा है हम दोनों लोग मैचिंग हैं, लेकिन इनको एक भी पसंद नहीं आ रहा। भैया भी परेशान है। चलिए देखते हैं आखिरकार कब तक इनके मन पसंद का नहीं आता है। ट्राई कर रहे हैं और ये है थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं। अभी और भैया गए हैं लेने। आप लोग को कौन सा पसंद आ रहा है हाँ, कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो बड़ी मुश्किल से ये ब्लैक वाला पसंद आया है। बताइए आप लोग को कौन सा वाला कलर पसंद आ रहा है सिस्टर के ऊपर। हाँ तो अभी देखते हैं और कुछ ट्राई करेंगे हम लोग, कुछ और भी कपड़ा लेना है। तो इधर वाला फाइनल हो चुका है। एक मुझे रेड वाला थोड़ा सा गुलाबी कलर था, बिल्कुल रेड नहीं था वो, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, आगे सितारा लगा हुआ है। तो दोनों में से चूज करना, आप लोग बताइए कौन सा वाला पसंद है सबसे ज़्यादा जी। तो ये देखिए दो बहनें और आ गई हमारी, देख रहे हैं सब लोग ऐसे टूटे हुए जैसे कपड़ा पहली बार देख रहे हैं। देख रहे हैं प्लाजो वाला ना चाहिए, दिखाइए भैया दूसरा वाला दिखाइए। एक देखो ना, ये बिल्कुल लेडीज वाला लग रहा है। हाँ ये देखो कलर भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा लगा था। तो भैया एक कपड़ा तो डिसाइड हो गया, लेकिन अब इधर साइड अब वो जींस और कुर्ती लिया जा रहा है। ट्राई हो रहा है, देखते हैं ये कब पसंद आता है। कम से कम आधा पौना घंटा हो गया है लमसम। चलिए लगे हुए हैं हम भी।
देख सकते हैं दोस्तों, यही कुर्ती बहन ने पसंद किया है। बाकी वो एक जींस था जो मैंने अभी पहले दिखा दिया था आपको, और एक वो गुलाबी वाला जो क्रेक टॉप था, और उसके बाद एक ब्लैक कलर वाला। ये हमने चार सामान लिए यहाँ से, तो अभी पेमेंट वगैरह कर देते हैं फिर निकलेंगे हम लोग। अभी आपको हम यहाँ के ओनर से भी मिलवाएंगे जिनकी ये दुकान है, आखिरकार क्या कुछ बजट और किस रेंज में इनके यहाँ कपड़े उपलब्ध हैं, कैसे आप तक मिल पाएगा, वो सब कुछ इसी वीडियो में हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये देख सकते हैं ये दुकान के ओनर है उत्कर्ष वस्त्रालय ना। अंकल जी मैं अपनी माइक लाना भूल गया आज, नहीं तो बिल्कुल क्लियर आ रहा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा आप, ठीक है। आपका नाम क्या है वो बताइए दर्शकों को। राघवेंद्र कुमार सिंह। राघवेंद्र कुमार सिंह, कहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं आप? गांव साहब की किचन नकबी ग्राम साहब। अच्छा अच्छा, तो ये दुकान आपकी कहाँ है दर्शकों को बता दीजिए, जो लोग आना चाहें आ सकते हैं शायद। उत्कर्ष वस्त्रालय, प्रयागराज रोड, खुटहक, खुटहक बाजार, जौनपुर। क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ अवेलेबल है, लेडीज से लेकर जेंट्स से लेकर? हमारे यहाँ साड़ी से लेकर रेडीमेड में सारे साइज आपको उपलब्ध है। अच्छा अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए दुल्हन के लिए लहंगा चाहिए, दूल्हे के लिए शेरवानी चाहिए, इंडो वेस्टर्न कपड़ा चाहिए, या फिर क्रेक टॉप वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर रेट की बात करें तो? रेट भी अपने ये सब अवेलेबल रेट है। अच्छा अच्छा, खुटहान में बहुत सारे कपड़ों की दुकानें हैं। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो नए नए दुकानें काफ़ी तेज़ी से खुल रहे हैं, तो लोग कंपटीशन के चक्कर में कुछ रेट का ऊपर नीचे करते हैं, तो वो मार्जिन? नहीं नहीं, हम कंपटीशन किसी से नहीं करते हैं, अपने सिस्टम से सब अपना रेट लगा हुआ है। हाँ। उसी में जो अपना डिस्काउंट है डिस्काउंट करके देते हैं। हाँ। और जो दर्शक आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? सबका यहाँ स्वागत है, सबके सबका सम्मान है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, इंतजार। अगर कुछ लोग हमारी वीडियो देख कर आएंगे कि हम वीडियो देख कर आए थे, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह? जो उचित डिस्काउंट रहेगा करके दिया जाएगा। अच्छा चलिए, धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं अंकल जी हमारा बिल बना रहे हैं, और बहन आज काफ़ी चूना लगा दी है। क्या रही हो, क्या बात है? कपड़ा ले लिए हैं। कपड़ा ले, खुश हो ना अब? अब किसी प्रकार कोई कमी या कोई दिक्कत परेशानी, कुछ और फरमाइश है लेने का? नहीं। अब नहीं है ना, खुश हो ना इतने में? चलो ठीक है, अभी बिल पेमेंट कर दें फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। फाइनली दोस्तों हमने सारी शॉपिंग कर ली है, बहन के लिए कपड़ा हो गया, अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने आप लोग को दिखाया किस तरीके से हमने बहन की शॉपिंग की और क्या कुछ उसकी फरमाइश थी। देख रहे हैं कितने सारे नखरे हैं, तो भैया क्या करें, एक ही बहन है जो कहती है उसको सुनना पड़ता है। और ये अंकल जी की दुकान थी, इन्होंने अपना परिचय दे दिया है, आप लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल विजिट करिए, बिल्कुल इक्वल इनका रेट है, सब कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। चलिए एक बार आपको हम बैक कैमरे से इनकी दुकान का नज़ारा दिखा देते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जैसा भी आप लोग का विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितने लोग पहले से इस दुकान को जानते थे वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। और उत्कर्ष वस्त्रालय, यही इनके दुकान का नाम है, विजिट करिएगा आप लोग। और अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं, वो देखिए खुटहान चौराहा उधर है, और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये मेन रोड है जो आप लोग ये रास्ता देख रहे हैं, इसी मेन रोड से आपको आना है। और ये ग्राम विकास इंटर कॉलेज का वो ग्राउंड है, और उसके जस्ट ठीक सामने आप लोग देखेंगे ये इनकी दुकान है उत्कर्ष वस्त्रालय जी। तो दोस्तों हम बहन को झालमुड़ी खिला रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, अब हमारा झालमुड़ी बन रहा है, ये देख रहे हैं इधर, ये भैया बना रहे हैं। और अभी तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते, आज किस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।